अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वीवीए जो है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ठीक है मतलब सर। कि एक कोई VV6 नहीं है, एक कोई आपका VV.NET नहीं है, या एक VV स्टूडियो नहीं है। वो तो सॉफ्टवेयर लगा गया ना। हाँ, मतलब कि आप वीवीए की मदद से किसी भी तरह का एप्लीकेशन तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक वीवीए है के सर। मदद से क्या बना सकते हैं, तो आप एमएस ऑफिस के अंदर नए फीचर डेवलप कर सकते हैं जो चलेगा। ठीक हाँ, जो चलेगा सिर्फ एमएस ऑफिस के अंदर ही। लेकिन मैं जो सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा आपको एक्सेल वीवीए। तो बोले सर एमएस ऑफिस वीवीए अलग होता है? जी हाँ, हर एप्लीकेशन के लिए इसकी प्रोग्रामिंग अलग होती है। तो करीब 60% प्रोग्रामिंग अलग होती है, 40% सब में सेम होता है, जैसे कि कंडीशंस, लूपिंग, कनेक्टिंग, ये सब चीजें सेम होती है, बट बाकी चीजें चेंज हो जाती है। रीजन ये है क्योंकि हर इसका एप्लीकेशंस का अलग अलग इंटरफेस है। जैसे कि अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में क्या होता है, फाइल होता है, सीट होता है, कॉलन होते हैं, रो होते हैं, और एक सेल होता है। ठीक है सर। लेकिन जब आप वर्ड में जाते हैं तो क्या होता है, फाइल होता है, पेजेस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, लाइन होता है, वर्ड होता है, ठीक है स्लाइड्स के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंट के अंदर स्लाइड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक तो इसलिए 60% हर किसी का अलग अलग होता है। तो हम आपको है ठीक सिखाएंगे एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। है सर। ठीक है अब हम मान ले कि वीवी एक क्या है, एक फैक्ट्री है, तो उसका ठीक है प्रोडक्ट क्या क्या है। तो वीवीए के जरिए हम तीन चीज बनाते हैं। पहला वो है माइक्रो, मैं करो ठीक है दूसरा है फंक्शन, ऑप्शन और तीसरा है हमारा यूजर फॉर्म। ठीक है यूजर ठीक फॉर्म है, भी हाँ हाँ ठीक यूजर है। फॉर्म। अब एक एक समझते क्या होते हैं माइक्रो। माइक्रो से आप कतई मत समझिए कि जो डेवलपर के अंदर में जो रिकॉर्डिंग माइक्रो होती है ना, ये रिकॉर्डिंग सर माइक्रो। अब कुछ लोगों के अंदर में कंफ्यूजन होता है कि माइक्रोज का मतलब हुआ जो हम रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज द माइक्रो, ठीक है और जो हम कोडिंग करते हैं उसको हम विजुअल बेसिक या वीवीए कहते हैं। अब ये चीज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, हम वीवीए के थ्रू भी माइक्रो बनाते हैं और रिकॉर्डिंग माइक्रो के थ्रू भी माइक्रो बनाते हैं। दोनों केसेस में कौन सा ट्रिक बात हो रही सर। हाँ, दोनों केसेस में वीवीए प्रोग्रामिंग ही यूज होता है। रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है जो कि आपके माउस एक्शन को, कीबोर्ड एक्शन को वो वीवीए कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक तरह से इंटरप्रेटर की तरह काम करता है जो आपका कोड माइक्रो की कोडिंग कर देता है, ठीक है सर ठीक और है वो जी भी वीवीए लैंग्वेज को ही यूज करता है। तो बिल्कुल सर माइक्रोस का मतलब हुआ कि अब जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं कि मुझे क्या करने होते हैं डेली बेसिस पे, कि हर दिन एक ई ड्राइव में हमें एक ईयर का फोल्डर, करेंट ईयर 2024 चल रहा है तो 2024 का फोल्डर हो, नहीं होगा जी तो बनाना बिल्कुल पड़ेगा। उसके ठीक अंदर है मार्च है, मार्च महीना चल रहा है तो मार्च का फोल्डर, मार्च के फोल्डर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। आज तारीख है 10 तारीख, तो यहाँ पे 10 तारीख का फोल्डर होगा, और 10 तारीख के फोल्डर में 10 तारीख की फाइल होगा। ठीक है सर मतलब ठीक है कि ठीक क्या है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर डेटा डाउनलोड करता है तो उसको मुझे पूरा पाथ और फाइल देना पड़ता है, तो ये डेली बेसिस पे मुझे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सर कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी दिक्कत होती है। तो मैंने एक क्या किया हुआ है, एक माइक्रो बनाया हुआ है। देखिए, ठीक सर जैसे AFR नाम का फाइल दिख रहा है, जैसे मैं इस फाइल को ओपन करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा जो डायरेक्टरी है उसको कंप्लीट कर रहे। ओके ओके आप जाके देखिए यहाँ पे 10 नंबर फोल्डर बन गया, इसके अंदर 10 तारीख का फाइल। और इसको बिल्कुल तो मैंने क्या किया, बस मैंने फाइल को ओपन किया, अपने माइक्रो का रन नहीं किया, मैंने जस्ट फाइल को ओपन किया। ओपन और ए भी मुझे ओपन में आपको दिखाने के लिए किया, लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे दिन के 9 बजे ऑटोमेटिक ये फाइल ओपन हो जाएगी। मतलब कि इसमें आप देखेंगे तो एक फीचर होता है टास्क का, टास्क ठीक है सर शेड्यूलर। तो टास्क शेड्यूलर मैंने लगा दिया कि 9 बजे मेरा इस FR नाम का फाइल को ओपन कर दे।
और फाइल के अंदर हमने माइक्रो कर दिया कि जैसे मेरा फाइल ओपन हो वैसे मेरा माइक्रो रन हो जाए, और माइक्रो के अंदर सारी कोडिंग कर दी, फिर पूरी तरह से क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया कि मेरा काम जो है अपने आप हो जाए। तो इसको बोलते हैं माइक्रो ऑटो पायलट। जैसे कि प्लेन को फ्लाई करने के लिए जो ये होते हैं ऑटो पायलट जो होता है उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे कंडीशन, सारे पॉसिबिलिटीज लिखा रहता है, उसमें कोडिंग की रहती है। उसी तरह से अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बनाने के सारे स्टेप्स, सारे कंडीशंस, क्या हो तो क्या ना हो, सारे संभावनाएं आप डाल दीजिए, वो आपका माइक्रोज उस चीज को फॉलो कर। तो इसमें जो ये फंक्शंस होते हैं ये क्या सारे, जैसे इतना एडवांस आप कर, इतना एडवांस मैं कर पाऊंगा इन चीजों को? मैं तो इतना कहूंगा कि मेरी क्लास लेते ही आप कर लीजिएगा, लेकिन क्लास एक शुरुआत। हाँ बिल्कुल। अगर आप कंटिन्यू 6 महीना साल भर बीवी पे काम करते हैं, एटलीस्ट 2 माइक्रो डेली बना रहे हैं हाँ जी तो आप बना सकते हैं। अच्छा क्योंकि तो कहने का मतलब थोड़ी कि मैं आप जैसे सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपके साथ थोड़ी फेक एग्रीमेंट करूंगा कि ये आपको मैं महीने 2 महीने में एक्सपर्ट बना दूंगा। नहीं, आप एक्सपर्ट बनने की पहली पायदान पे चल जाएंगे। अब एक्सपर्ट बनाएगा आपकी एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस। ठीक है सर। जैसे MBBS करके डॉक्टर निकलता है तो डॉक्टर एक डॉक्टर होता है, जब यस सर वो यस कई सर। साल प्रैक्टिस करता है, कई सारे बीमारियों पे काम करता है, देन जाके वो एक्सपर्ट सर्जन या एक एक्सपर्ट फिजिशियन बनता है ना सर। हाँ जी ठीक सेम थिंग यहाँ हुआ है कि मेरी क्लासेस आपकी पहली पैदा। लेकिन है। आप ये जो 6 महीने और साल भर 2 साल के गैप को जल्दी खत्म करना चाहते हैं ना, तो मेरे एक और कोर्स है, वो है रिपोर्ट ऑटोमेशन। ठीक हाँ, उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, उसमें हम करीब 20 से 25 केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं। है 20 25 मैं बनाता हूँ, 20 25 आपको बनाने होते हैं। तो 50 रिपोर्ट होता है जो कि 6 महीने के गैप को कवर करता है। ठीक है। तो उसमें हुआ कि आप एक स्टेप और ऊपर चल जाते हैं। ऐसे नहीं कि उसको कोर्स करने के बाद भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं, लेकिन एक पायदान और, एक सीढ़ी और ऊपर, एक स्टेप और ऊपर चले जाते। देखिए, आप एक्सपर्ट, मैं अगर एक्सपर्ट बनाऊं तो मेरे पीछे 17 साल की मेहनत है। बिल्कुल सर, एग्री। तो उसी तरह से आपकी भी टाइम जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक आप एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये होगा कि आप सॉल्यूशन फाइंडिंग के एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आता है देन फाइंड द सॉल्यूशन और उसको आप सॉल्व करेंगे। डेटा होता है, डेटा एज पर मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट, अब वो कुछ बोलते हैं हमें ये दे दो आप, ठीक है। हाँ, ये बनाकर दे दो हम। हाँ, तो जब वो बना के दीजिएगा। अब देखिए, ऑटोमेशन जरूरी नहीं है कि 100% आप कर दीजिए। अच्छा मान लीजिए कि एक रिपोर्ट बनाने में आपको 15 स्टेप यूज करने पड़ते हैं, आपने बीवीए के मदद से पहले 5 स्टेप को ऑटोमेट कर दिया, फिर हफ्ता 2 हफ्ता बाद आपने थोड़ा सा रिसर्च किया तो आपको जो है 5 और मिल गए, तो 10 स्टेप हो गया, 12 स्टेप कर दिया आपने टोटल, तो बारह यस स्टेप आपको ऑटोमेट हो गया ना सर। हाँ जी हाँ जी अब जैसे वॉशिंग मशीन आया तो शुरुआत में ना कपड़ा डिटर्जेंट आया कि भाई डिटर्जेंट से कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। अगर आप सर। कई साल पहले जाएं तो लोग जो है देसी तरीके से कपड़े साफ करते थे, जैसे कि जो होते थे मिट्टी होती थी, नूनी मिट्टी हम लोग उसको बोलते हैं, उससे ठीक साफ सर। होता था। केले के राख से साफ होती थी कपड़े। फिर इनोवेशन हुआ, डिटर्जेंट पाउडर आ गया, तो उससे क्या हो गया कि जो मिट्टी से और केले की राख से साफ करने में हमें टाइम लगता था उसको जल्दी कर दिया, कि 2 दिन कपड़े आपको निरंतर लगेंगे साफ करने में, अब आप कपड़े जो है 1 घंटे में साफ कर लीजिएगा। उससे डिटर्जेंट के बाद क्या आया, वॉशिंग मशीन आया। तो वॉशिंग मशीन क्या आया, मैनुअल में आया, सेमी ऑटोमेटिक आया। मैनुअल में क्या हुआ, जैसे कपड़ा साफ कर देगा, सेमी ऑटोमेटिक क्या किया कि कपड़े साफ करने के बाद उसको उठा के रखिएगा, सुखा दे, ड्राई बिल्कुल कर सर। दे। देन आया फुल्ली ऑटोमेटेड। तो फुल्ली ऑटोमेटेड क्या हुआ कि आप आपको कपड़ा रख दीजिए, अपने आप धो देगा, अपने आप सुखा देगा, सब कुछ अपने आप। बिल्कुल लेकिन अभी भी कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना और कपड़े निकालना तो बाकी है ना।
अब रोबोट आएगा जो आपके गंदे कपड़े आइडेंटिफाई करके खुद साफ कर देगा, खुद सुखा देगा। वो सर प्रो ऑटोमेटिक होगी बात तो वो हाँ, उसके बाद आएगा खुद पहना भी देगा। तो भी सर उसी तरीके से आपका जो ये काम करता है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हो सकता है कि प्रॉब्लम एक ही बार में ऑटोमेट हो जाए, या हो ये सकता है कि आप उसके चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेट करें। बिल्कुल सर एग्री सर हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मैंने रिपोर्ट को 80% भी ऑटोमेट कर दिया तो मेरा इस रिपोर्ट बनाने का 80% टाइम तो बच गया ना भाई। बिल्कुल सर अगर बिल्कुल मैं इसको अगर 100 मिनट में बनाता हूँ तो अब मैं 20 मिनट में ही बनाऊंगा ना, जी बिल्कुल सर 80% तो टाइम बचा ना। दूसरा, ऑटोमेशन जो होता है कंडीशन के साथ होता है, ऑटोमेशन कंडीशन के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, सर अब मुझे इसमें से सुजीत को अलग करना है, कुमार को अलग करना है। यहाँ कंडीशन क्या है, स्पेस कि एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम बिफोर द स्पेस एंड एक्सट्रैक्ट द लास्ट नेम आफ्टर द स्पेस। बिल्कुल लेकिन अगर मैंने यहां लिख दिया इस तरह से कि सुजीत कुमार, अब इसमें कोई कंडीशन है? अब हम मुझे पता है आप समझ रहे हैं कि सुजीत कुमार मुझे जानते हो तो इसका यूज कर लेगा। कोई साउथ इंडिया नेम जो फर्स्ट बार आप सुन रहे हो तो उस पर आप कंफ्यूज जाओ, तो आपका जो इतना आपकी जो मेमोरीज है, अगर आपका जो हार्ड डिस्क है इतने सारे न्यूट्रॉन से बना हुआ ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो सिस्टम कैसे काम करेगा? ट्रिगर हाँ, क्योंकि अगर कोई कंडीशन है देन आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, अगर कंडीशन नहीं है तो आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात तो कंडीशन पे ही वर्क करता है, कोई आइडेंटिफायर होना चाहिए कि इसको आइडेंटिफाई करो देन ट्रिगर करो। तो माइक्रोस समझ में आया कि माइक्रोस क्या होता है? करता है हाँ, रिकॉर्ड नहीं, माइक्रो का मतलब हुआ कि आप अपने रिपोर्ट बनाने के स्टेप को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए तो नेक्स्ट टाइम वो अपने आप बना के दे देता है। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो रिकॉर्डिंग से करे या कोडिंग से करे, इट डजंट मैटर। दूसरा आता है फंक्शन। फंक्शन जैसे हम वी लुकअप एच लुकअप फॉर्मूले है ना, इस तरह के अपने खुद के फॉर्मूलेज बना सकते। ओके ठीक है, खुद के फॉर्मूले। अब बोले सर कि ऑलरेडी एक्सेल में मोर देन 400-500 फॉर्मूलेज यहाँ अवेलेबल है, उनके ट्रिक्स अवेलेबल है, तो फिर वापस फॉर्मूला बनाने के बाद क्या होगा? बिल्कुल तो बेसिकली क्या है कि जो फॉर्मूले है वो स्टैंडर्ड है। जैसे मान लीजिए वी लुकअप को मान या एक्स लुकअप मान, ये डेटा लुकअप करके आपको देता है। लेकिन अगर आपके एक फोल्डर में 100 फाइलें हैं, आप जिसको ढूंढना चाहते हो 100 में से कहीं एक जगह पे होगा, ठीक है नहीं अब ये काम तो आपका वी लुकअप नहीं ना करेगा। सर नहीं या फिर आपको दो कंडीशन को मैच करना है या तीन कंडीशन मैच करने हैं, नहीं ये काम तो वी लुकअप नहीं करेगा ना। सर तो ऐसे फॉर्मूले जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप खुद बना लें, या फिर माइक्रोज को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम एक आप रिपोर्ट ऑटोमेट कर रहे हैं, वहां पे एक एक स्टेप है। मान लीजिए कि आपको फाइल ओपन करने का एक स्टेप है जो कि आप 100 बार यूज करते हैं, और उस स्टेप का आपकी कोडिंग मान लीजिए 5 लाइन की है, तो आपको 100 बार 5 लाइन की कोडिंग लिखना पड़ेगा। बार हाँ, तो आपने क्या किया, उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और उस फंक्शन को आपने माइक्रोज में कॉल, तो आपको हर बार 5 लाइन नहीं बस 1 लाइन लिखना पड़ेगा फंक्शन कॉल में। ठीक है, तो फंक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूले बनाते हैं, फंक्शन का यूज हमारा माइक्रोज के अंदर भी या यूजर फॉर्म के अंदर भी होता है, ठीक है सर कोड को सिंपलाइज करने के लिए। ठीक है सर ठीक है, तो फंक्शन के बाद तीसरा जो आता है वो आता है यूजर फॉर्म। तो आप चाहते हैं कि सर एक पॉपअप बन जाए, इंटरफेस बन जाए, जैसे कि हम मान लीजिए कि एफएक्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पॉपअप आता आता है।
इस तरह की पॉपअप इंटरफेस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा यूजर फॉर्म फोर, दिख रहा है सर? अब जैसे मैंने चेक पे क्लिक किया तो मेरे पास एक इंटरफेस आया है। अब यहाँ पे जो भी आईडी डालूंगा, जैसे मैंने 8 नंबर का आईडी डाला, शो क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा शो हो गया। एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ हम कोई भी एडिट को क्लिक कर सकते हैं। जैसे कोटा की जगह पे मैं जयपुर कर देता हूँ और जैसे चेंज करेंगे ये डेटा यहाँ चेंज भी हो गया, देखिए कोटा जयपुर हो गया। तो इस तरह के जो इंटरफेस बनाने के लिए यूज किए हमने, क्या यूज किया? यूजर फॉर्म। देखिए यूजर फॉर्म के अंदर कोडिंग जो है वीवीए प्रोग्रामिंग की ही होगी। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं, एडिट पे जाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ यूजर फॉर्म, देखिए इसके अंदर जो कोडिंग है वो वीवीए प्रोग्रामिंग की ही कोडिंग है। ठीक है सर। या फिर आप चाहते हैं कि सर मैं एक्सेल को एक एप्लीकेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ फॉर्म पे आते हैं। अच्छा, मेरी जो स्क्रीन आपको दिख रही है फुल देख रही है या फिर बीच में साइड में कटा हुआ है? साइड में कटा हुआ, उसको फुल कर सकते हैं आप, देखिए ना। वैसे मैं टीम से पहली बार क्लास है, मैं जूम यूज करता हूँ, ये क्या बोलते हैं, टीम से यूज करता हूँ, मीट से पहली बार क्लास है। आप जूम से करते हो? मैं टीम से, टीम से, टीम। तो टीम में प्रॉब्लम है कि साइड में लिस्ट आता है, अटेंडेंस लिस्ट आता है, वो हटाने का ऑप्शन इसमें है कि नहीं देखना है बस। आप टीम व्यूअर, टीम 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 भी यानी ऐसी है, टीम पे भी ऐसे ही है, टीम की तरह है बिल्कुल। मुझे खुद ज्वाइन करके बस देखना पड़ेगा क्या है, तो ठीक है मैं देख लूंगा। वो बेसिकली मैं चेक करना चाहता हूँ कि टीम बेटर है स्क्रीन देखने के लिए, जूम का नहीं यूज करता था, बट प्रॉब्लम यह है कि मैंने टीम्स को बाय कर रखा है 3 सालों के लिए। ठीक है सर। और जूम को फिर मैं बाय करना नहीं चाहता हूँ, डबल डबल खर्चा हो जाएगा ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि हम मैंने रियलाइज किया, क्योंकि मैं कल खुद एक टीम मीटिंग ज्वाइन किया हुआ था कहीं से, एक कंपनी है, एक बैंक है, उसकी मैनेजर्स को क्लासेस देनी थी, तो उन्होंने अपना रिपोर्ट वोट दिखाने के लिए मीटिंग अरेंज किया था। तो उन्होंने देखा कि वो मेरा स्क्रीन जो है वो मतलब कि 1/4 दिख रहा है, साइड में स्लाइड आते हैं जिसमें सारे अटेंडेंस लिस्ट होते हैं, तो मैंने देखा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा फुल स्क्रीन दिखेगा तो ना बच्चे को समझ में आए। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा इसका जुगाड़। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि मुझे एक्सेल को पूरा सॉफ्टवेयर की तरह दिखाना है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कैसे होता है। तो ये देखिए मैंने बनाया हुआ है फॉर्म, यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसको ओपन करने पे आपको ऐसा लगेगा कि एक्सेल ही ओपन हुआ, बट सारे एक्सेल हाइड हो जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्म आपको दिख रहा है। यानी ये एंट्री के लिए बना होता है। हाँ, डेटा एंट्री शीट हो गया, या कुछ भी करने के लिए यूज करते हैं, पूरा का पूरा आप सॉफ्टवेयर की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है सर। तो ये यूजर फॉर्म से ऐसा कुछ बना सकते हो, रहेगा एक्सेल फाइल ही पर सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करेगा। बिहेव करेगा, ठीक है। यानी कि हम हमें से भी ये एप्लीकेशन देखेंगे, बाकी ऐसे पैटर्न में चल रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम एक्स माइक्रो का यूज, माइक्रोस, फंक्शन और यूजर फॉर्म, 3 चीजों के लिए करते हैं। तीनों क्या है, समझ में आ गया? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि हम माइक्रो कब यूज करेंगे और किसके लिए यूज करेंगे। जी बिल्कुल। अब मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको एक सिंपल सा रिपोर्ट भेजा, डेटा भेजा, बोला कि इस पे एक समरी दे दो, सेल समरी दे दो। ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि मैं इस सेल समरी को वीवीए माइक्रो के थ्रू बनाऊं या नॉर्मल एक्सेल के फीचर यूज करके बनाऊं। अब इसका वही यूज होगा कि अगर आपको ऑफिस जाना है, डेली जाना है और आपको जाने में टाइम लगता है, वहां पे प्रॉब्लम होती है, कन्वेंस का सुविधा नहीं है, देन आप बाइक या कार कर दो। ठीक है। अब आपको ऑफिस जो है आज ही के दिन बस जाना है,
पब्लिक कन्वेंस पब्लिक सर्वर उपलब्ध है, इजिली आप पहुंच जाएंगे, टाइम कम लगेगा। तो क्या लग रहा है कि पहले आप शोरूम जाओगे, बाइक खरीदोगे, फिर बाइक चलाना सीखोगे, देन ऑफिस जाओ? जी बिल्कुल, नहीं, गलत हो जाएगा ना ये। अगर मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ऑफिस जाना है तो जस्ट मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके चला जाऊंगा। मुझे बिल्कुल ऑफिस ऑफिस अगर बिल्कुल हमको डेली जाना है, देन हम अपना पब्लिक अपना खुद का पर्सनल कन्वेंस यूज करेंगे ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको रिपोर्ट मिला तो पहले आपको ये देखना है कि ये रिपोर्ट मुझे डेली बना के देना है या आज आज के लिए मिला है। फर्क है, दोनों बात का फर्क है, हाँ, बिल्कुल फर्क, तो आज आज के लिए मिला है तो नॉर्मल एक्सेल से बना लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर डेली बेसिस के लिए मिला है और टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, देन हम यूज कर लेंगे अपना, तब वीवी प्रोग्रामिंग बनाएंगे, क्योंकि तो प्रोग्रामिंग तो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन तो रिपीटेड वर्क के लिए होगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, दूसरा आता है लेंदी, कि कुछ ऐसा काम मिला है जो कि करना एक ही बार, लेकिन इतना लेंदी है कि अगर मैं एक बार करने जाऊं तो काफी टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक फोल्डर में 500 फाइलें मिली है, 500 फाइलों पे डेटा अलग अलग है, अब सारे ठीक डेटा है आपको एक के नीचे कलेक्ट करना, या सर, ठीक है 1500 लोगों को इंडिविजुअल मेल करना, ठीक है ठीक ठीक है ना? तो है सर, ऐसे काम जो एक ही बार करना है बट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी है, जिसको करने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है तो ऐसे कामों को हम बीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू करना चाहिए। ठीक ठीक है सर, है, तो माइक्रो का यूज कब करेंगे? रिपीटेड जॉब या लेंदी जॉब? ठीक है मैं प्रोग्राम, ठीक है अब दूसरा आता है कि माइक्रो का इस्तेमाल किसके लिए करें। देखिए, अगर आपको आप फाइल जिस फाइल आपके लिए बनी है उस फाइल के ऊपर जितना हो सके उतना आप माइक्रो यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठीक है, ऐसे फाइल जो पब्लिकली ये होंगे ट्रेवल करेंगे, मतलब कि आप ऐसे फाइल जो कि 100 200 550 20 50 लोगों को भेजने वाले, उसके अंदर माइक्रो का यूज करना अवॉइड करें। दो केसेस से, पहला केसेस से कि हर पीसी के अंदर माइक्रो का सिक्योरिटी डिसेबल होता है, माइक्रो फीचर डिसेबल होता है। तो ठीक जिस है पीसी के अंदर माइक्रो का फीचर डिसेबल है, जैसे ही उस फाइल को ओपन करेगा एक पॉपअप आएगा अनेबल माइक्रो का सिक्योरिटी अलर्ट के रूप। अब ठीक जो है लोग वीवी प्रोग्रामिंग को जानते हैं वो लोग क्या करेंगे? अनेबल करके यूज कर रहे हैं। बिल्कुल जो लोग फैमिलियर ने बहुत ऑफिस आप ही के ऑफिस में ऐसे बहुत सारे स्टाफ होंगे जो एक्सेल बस काम चलाओ यूज करते हो, का फील्ड का अलग अलग चीजें हो, अब उसको जैसी सिक्योरिटी अलर्ट देखेगी वो बोलेंगे यार ये तो वायरस आ गया, जैसे उनकी बैंक अकाउंट से सारा पैसा खत्म होने वाला है, ऐसे उनके काम खड़े हो जाएंगे और आपको मेल या फोन करेंगे कि भाई फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, वायरस है, देख अलर्ट दिखा रहा है। आप उसको समझाएंगे इसके अंदर मैंने कोडिंग की हुई है, अब पूछेगा कोडिंग क्या है, क्या करता है कोडिंग, क्यों लगाया, अब उसको बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। सर, तो ऐसी टेंशन पालना क्यों है? तो पहले बेहद, जब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक लोगों को भेजने वाली फाइल के अंदर माइक्रो का इस्तेमाल ना करें। ठीक है सर, ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है कि आपने जो बीवीए प्रोग्रामिंग किया वो सिर्फ वर्क करता है किसके ऊपर? डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर। बिल्कुल अगर आपने माइक्रो वन ड्राइव में जाके एक्सेल फाइल खोला या गूगल शीट पे खोला तो वर्क नहीं करेगा। और मैं थोड़ा देर पहले बताया था स्टार्टिंग में कि उसके लिए यहाँ ऑटोमेट का एक स्क्रिप्टिंग ऑप्शन आया है जहां पे हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, और मैंने बताया कि इसको मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया है क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये आया है और मुझे इसको सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज सिखाता हूँ एक्सपर्ट लेवल की, और एक्सपर्ट लेवल के साथ 1 साल मुझे खुद पढ़ना होगा ना। बिल्कुल, यानी कि ये जो स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन नया आया हुआ है ये शायद गूगल शीट में भी चल पड़ेगा, ये ऐसा कुछ जी हाँ होगा हाँ सब में चलेगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन सब पे चलेगा, गूगल शीट की स्क्रिप्टिंग है सर, ये जावा स्क्रिप्टिंग है तो जावास्क्रिप्ट है ये, हाँ ठीक हाँ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन बाकी सब सेम रहेगा। है सर, जैसे माई एसक्यूएल एसक्यूएल के अंदर क्यूरी सेम होता है पर थोड़ा बहुत चेंज होता है, कहीं पे कॉमा कहीं पे सेमी कॉलन का, वही होगा। ठीक है,
अब एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होने का चांसेस तो कम है ना सर। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा डिफरेंस तो होगा होगा। हाँ डिफरेंस तो होगा, सिंपल सी बात हाँ जी सर, है, तो इसलिए अवॉइड करें। तो ठीक है आपने जियो, आपने आज अभी की क्लासेस का एजेंडा क्या जाना कि वीवीए प्रोग्रामिंग होता क्या है, वीवीए कहाँ कहाँ यूज होता है, वीवीए से हम क्या क्या बनाएंगे, और माइक्रो फंक्शन यूजर फॉर्म होता क्या है, हम माइक्रो ठीक कब इस्तेमाल करेंगे और किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। ये समझ में आ गया। हाँ अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि सीखने के लिए हमें क्या करना। ठीक है सर, देखिए सीखने के लिए सबसे दो चीजें की जरूरत है सबसे ज्यादा है, बाकी चीजें मैनेज हो जाए। पहला वो है आपके पास एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज। ठीक है आप बोलेंगे सर अच्छी खासी के मतलब, मैं तो एक्सेल यूज करता ही हूँ, अब अच्छी खासी में कितना अच्छी खासी होना चाहिए। तो इसके लिए कोई दिक्कत, इसके कोई बात नहीं है, मैं आपको एक जो है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, ठीक है एक 5 घंटे का रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा ठीक है ठीक हूं, आप उसको देख लीजिएगा, और कल शाम में ही एक इसी रिकॉर्डिंग के ऊपर एक बात हुई थी, एक कनाडा से लड़की थी तो पंजाबी ही थी, नाम नहीं बताऊंगा, फोन की थी कि सर आप अपने कोर्सेज के बारे में बताया, तो मैंने अपना पीडीएफ भेजा, तो बोला सर आपकी कोर्स की फीस तो 10,000 है, तो बहुत ज्यादा है, उडेमी पे तो ये 500-600 की आ रही है, 1,000 रुपये की आ रही है। एक ठीक अच्छी सी बात, एक बार कोर्स कर लें तो देखिए कितना कितना घंटे का है। तो उसने उस समय खोला, खोल के बताया कि सर 4 साढ़े 4 घंटे की है, मैं 5 घंटे की रिकॉर्डिंग तो आप मुझसे फ्री में ले लो। है उडेमी के अंदर या और भी जितने भी जो चीजें हैं वहां पे आपको 5 घंटे 6 घंटे की क्लासेस दी जाती है, तो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे क्लासेस तो हम यूट्यूब पे फ्री में रखे हुए हैं और सबको फ्री में देते हैं। ठीक है तो वही रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिया है जो कि 5 आवर्स की रिकॉर्डिंग है, जिसमें सारी चीजें बताई गई है कि एक्सेल के अंदर माइक वीवीए सीखने से पहले क्या आना चाहिए। इनफैक्ट मैंने उसको बनाने के पीछे का पर्पज था कि ऑफिस में काम करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, और सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी है। अब हो सकता है कि इसमें सारे आपको आते हो सकता है कुछ चीजें आते हो, कुछ चीजें नहीं आते, बिल्कुल तो पॉसिबिलिटी है सर। हाँ तो मैं आपको दिया हूं कि बीवी की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको देख लीजिए, इसमें जो चीज आप आता है उसको देखिए, जो चीज नहीं आता है उसको स्किप कर दीजिए, ठीक ठीक है ना। मतलब जिस जो मुझे बेटा मुझे करेक्ट कर रहा है, भैया आपने उल्टा बोल दिया, कि जो चीज आता है उसको फॉरवर्ड करके स्किप करके फॉरवर्ड कर दीजिए, जो चीज नहीं आता उसको देख लीजिए। चलिए जब 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 देख रहे हैं तो पूरा देखेंगे, उसमें एनालाइज करेंगे फिर कि क्या है क्या नहीं हाँ है, ठीक देख लीजिए, 5 आवर्स की है, नहीं 5 आवर्स है इसलिए मैंने बोला आपको। दूसरा जो जरूरत है वो है आपको नहीं प्रैक्टिस के लिए टाइम जो आपको है। मैनेज करना है। अब देखिए आप जस्ट आएंगे क्लास में, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह क्लास को सुनेंगे, जी सर यस सर करेंगे, और फिर दोबारा वो आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप ये इस जन्म में तो नहीं सीख पाएंगे, नहीं सर, किसी जन्म में नहीं करता। क्योंकि वीडियो जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नीड अ प्रैक्टिस, सिंपल से कहा। मैं सर आपको एक शीट शो कर रहा हूँ, अपनी हाँ ठीक है, एक मिनट डेस्कटॉप चेक कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कीजिए। जैसे हमारी पॉजिटिव शीट आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये मैंने फॉर्मूले फॉर्मूले जितने भी लगाए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इतना एडवांस में चलूंगा कि ऑटोमेशन पे चले जाऊँ। अब आपने जो ऊपर इतना लंबा फॉर्मूला लगाया है सर, अब आप इस पे काम कीजिए कि फॉर्मूले को सॉल्व कर सके। वही बात मेरे देखो सर, जो मेरी समझ में था ना वो तो मैंने कर दिया, तो इसको तो वहां से ना
फॉर्मूला क्या कुछ शीट को हैवी करता है। हाँ मतलब मेरे शायद यूज ज्यादा सालों में यूज करना पड़ रहा है, उतनी बार उतना फॉर्मूला उसे ड्राई करना पड़ रहा है। जी तो मैं कहता हूँ कि क्या कि एडवांस जब चले हैं हम तो फॉर्मूला कम ही ऑटोमेशन पे, जैसे ये बेटेड थे मेरे ख्याल कंडीशन पर यहाँ पर ये लिखा हुआ तो वो आ जाए है ना। डीबीक्यू हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन डीबीक्यू तो सुना मैंने, इतना आइडिया नहीं देता। हो जाएगा सर हो जाएगा, ये सब चीजों को बीबीएस आसानी से कर लीजिए। और जो ऊपर इतना लंबा फॉर्मूला बनाया हो ना, इसके लिए आप खुद से फॉर्मूला बना देंगे और सिंपल हो जाएगा। आप तो बोल रहे हो जितना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा नहीं, से अगर आपके एक्सेल आता है ना तो बीबीएस डिफिकल्ट नहीं है, बीबीएस आसान है। जब मैंने सीखा था तो मैं 12th में पढ़ रहा था सर, जस्ट इंटरमीडिएट के पास नहीं गया था, तब सीखा था मैंने। आपको भाई भर्ती होगा जी नहीं ऐसे बात नहीं है, हमने तो इंग्लिश सीखी है 6th क्लास में। जी वो बेसिकली 12th क्या हुआ था कि जब मैं 10th में था तो हमारे एक अंकल थे, वो एक ग्रामीण बैंक में काम करते थे। ग्रामीण ठीक है। बैंक पहले रजिस्टर बेस्ड चलता था पूरा। अच्छा तो अचानक क्या हुआ कि जब उनकी रिटायरमेंट के 1.5 साल बचे हुए थे तो उन्होंने पूरा ब्रांच हो गया ऑटोमेट, और ब्रांच है मात्र 2 लोग ही काम करते थे। अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कंपनी ने कि नए कंप्यूटर माने कि सारे कैशियर्स और मैनेजर्स को बोले कि आपको कंप्यूटर सीखना होगा, और सबको जो है कंप्यूटर की क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाई गई 6 महीने, 3 महीने के लिए थी। हाँ 3 महीने। ठीक है। तो अब अंकल ने बोला कि मेरी 1.5 साल की नौकरी बची है, अब मैं कंप्यूटर सीखूं और कुछ उल्टा सीधा बटन दबा गया तो फिर लास्ट टाइम में दिक्कत हो जाएगी, इतने बड़ा क्लीन चिट लेके आया। तो उन्होंने मैनेजर से बात करके, होता है सर बिहार में चलता है, तो उन्होंने अपने जगह पे मुझे भेज दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल था, बिल्कुल सर बिल्कुल चीजों को ठीक कर देना और लैंडलाइन वगैरह खराब होता था उसको फिक्स कर देना, रेडियो टीवी को फिक्स कर देना, थोड़ा टेक्निकल था। तो उन्होंने मुझे भेज दिया, तो मैं उनके जगह पे बेसिक कंप्यूटर सीखा जो मैं पढ़ता था 9th क्लास में, 9th 10th में सर। था। फिर उनके जगह पे मैं रात शाम को जाके काम कर दिया। वो सारा काम क्या करते थे, वो मैनुअली करते थे, और फिर जब मैं जाता था तो वो क्या करते थे कि सारे के सारे रिपोर्ट उनकी जो एंट्रीज होती थी वो मैं सिस्टम में कर देता था, और एक्सेल में पूरा रिपोर्ट वोट बना के प्रिंट आउट निकाल उनको दे देता। अब ठीक प्रॉब्लम है ये थी कि मेरी 10th 12th की एग्जाम वगैरह चल रही थी, काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। तो उसी समय जो टेक्निक, उसमें गूगल पर उतना था नहीं सर, ये 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ उसका तो जो आते थे टेक्निक, हर हफ्ते एक टेक्नीशियन आते थे जो समझाते थे, तो उनसे मैं एक्सेल, उनकी एक्सेल अच्छी थी तो उनसे मैं एक्सेल की चीजें जानता था, एक्सेल हेल्प के अंदर चीजें देखता था, रिसर्च करता था। फिर ऑटोमेशन के लिए वीबीए वगैरह उन्हीं से सीखा था वो, और उस ठीक थोड़ा है सा सर। रिसर्च किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो उस समय सीख गया था आसानी से। तब जाना कि वीबीए वाली नहीं है। और दूसरी चीज है कि पिछले 17 सालों से ये सारे आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को ही सिखा रहा हूं, जी बिल्कुल तो बड़ी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा टाइम अटेंशन देंगे ना तो सीख जाए। बस वही होगा कि तीन तीन स्टेप को फॉलो करना, पहला वॉच, दूसरा रिपीट, और तीसरा एक्सप्लोर। वाच मतलब क्लासेस को ध्यान से देखे और समझे, कंसेप्ट को समझे, रिक्वायरमेंट को समझे, सॉल्यूशन को समझे। देन आता रिपीट, क्लास को रिपीट करे, जो मैंने चीजें बताई है उसको खुद करके देख। आंसर और तीसरा आता है एक्सप्लोर, कि जो चीजें आपने करके देख ली उसके बारे में और ढूंढना। ठीक है। जैसे मैंने आपको इफ कंडीशन बताया, इस कंडीशन के 5 एग्जाम्पल बता दिए, 5 एग्जाम्पल को आपने खुद से लगा के देख लिया और समझ में आ गया। अब आपको इंटरनेट पे बुक में जो भी रिसोर्सेज है उस पे जाके इससे रिलेटेड और भी चीजों को ढूंढ, दैट कॉल एक्सप्लोर।